नमस्कार, आप सबका स्वागत है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर की सीक्वेल है। ये फिल्म ताबड़तोड़ एक्शन से भरपूर है। इसके पहले सलमान खान और अली अब्बास जफर ने साथ में फिल्म सुल्तान में काम किया था, जो ब्लॉकबस्टर रही थी। ये फिल्म 2016 में आई थी। फिल्म टाइगर जिंदा है पावर पैक्ड एक्शन और देशभक्ति पर आधारित है। फिल्म की कहानी 40 नर्सों को बचाने के मिशन पर निकले टाइगर, सलमान खान और जोया कैटरीना कैफ की है। इन नर्सों में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी हैं। इन नर्सों को इराक में ISI द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। अमेरिका कहता है कि यदि 7 दिन के अंदर भारत नर्सों को ISI के चंगुल से नहीं छोड़ता तो वो बमबारी कर देगा। नर्सों को छुड़ाने का काम भारत पाकिस्तान द्वारा साझा रूप से किया जाता है और इस काम के लिए भारत की तरफ से टाइगर को चुना जाता है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से टाइगर का साथ जोया देती हैं। एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में क्या टाइगर और जोया ISI के अड्डे तक पहुंच पाते हैं? क्या वो नर्सों को छुड़ाने में कामयाब हो पाते हैं? उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म टाइगर जिंदा है डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म है। फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है। फिल्म में सलमान कैटरानी द्वारा किए गए एक्शन सीन्स देखने लायक हैं। बर्फीले पहाड़ों पर एक्शन और भेड़िये से लड़ाई के सीन्स जो सलमान पर फिल्माए गए हैं लाजवाब हैं। वहीं सलमान के डायलॉग्स भी बेहतरीन हैं। फिल्म थोड़ी लंबी है जिसे छोटा किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल फिल्म बेहतरीन है। अपने बेहतरीन एक्शन के साथ सलमान खान एक बार फिर दर्शकों के बीच है। फिल्म में सलमान की परफॉर्मेंस लाजवाब है। सलमान के साथ कैट भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराती नजर आ रही हैं। दोनों ने जमकर एक्शन किए हैं। अन्य स्टार्स ने भी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। विलेन के रोल में ईरानी एक्टर सजाद डेला क्रूज ने भी अच्छा रोल प्ले किया है। फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है, गानों की कोरियोग्राफी शानदार है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा बन पड़ा है। फिल्म के गाने स्वैग से स्वागत और दिल दिलांगला फिल्म रिलीज से पहले ही हिट हो चुके थे। यदि आप एक्शन के साथ देशभक्ति का मैसेज देने वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं और एक बार फिर सलमान खान को ताबड़तोड़ एक्शन करते देखना चाहते हैं तो फिल्म देखने जरूर जाएं।